हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप फोटोशॉप के अंदर कुछ इस तरीके का क्रिएटिव पोस्टर डिजाइन क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। तो मैं मनसुख कुमार, आप देख रहे हैं हेमा ग्राफिक्स। तो चलिए बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से फोटोशॉप खोल लेना है और इसके अंदर आप जिसमें आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट के अनुसार, उसके अनुसार एक इमेज को ले आना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेना है, रेक्टेंगल टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है U, और इस तरीके से सेंटर में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट पे है अभी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये अभी ब्लैक आ गया है। तो इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर ब्लैक कलर फिल करना है, तो ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर फिल हो गया है। आप यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लीजिएगा और तो इस तरीके से टेक्स्ट को टाइप कर लेने के बाद सर्वर को सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, तो हमें नहीं करना है फॉन्ट को चेंज। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर लीजिएगा और इसको अभी क्या करना है, डबल क्लिक करके सारे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस कीजिएगा तो अभी व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ टी करेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसको आप बड़ा कर लीजिएगा जस्ट इस प्रकार से। और इसको भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं। कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद क्या कीजिएगा, आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड के नीचे यहाँ क्या है, फिल ओपेसिटी को 0 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से नॉकआउट को, यहाँ से नन जो है उसको, ये इस पे स्लो पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाने के बाद क्या कीजिएगा, इसको और इसको शिफ्ट के कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल के साथ जी कीजिएगा तो अभी ये ग्रुप हो गया। इस तरीके से एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।